ह्यूमन किडनी दो तरीके से खराब होती है, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर, है ना। तो एक्यूट डिहाइड्रेशन हो जाता है उसकी वजह से, और ये कम्प्लीटली रिकवरेबल कंडीशन है जिस अगर शुरुआती अवस्था में इसको हाई रिस्क ग्रुप को, और हाई रिस्क ग्रुप होते हैं या तो आपको लंबे समय से डायबिटीज है, लंबे समय से, जिसमें कि तीन इंपॉर्टेंट चेकअप जो बहुत जरूरी होते हैं, जो कि एक तो ब्लड प्रेशर है पहला, दूसरा ब्लड। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा, हमारे साथ है नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष गुप्ता सर। हम सर से किडनी की बीमारी के बारे में बात करेंगे, हम सर से जानेंगे कि सर ऐसा फैक्टर अपन माने अगर रिस्क फैक्टर किसको ज्यादा है किडनी की बीमारी का, जिसको डायबिटीज लंबे समय से है, जिसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जो लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिनकी फैमिली में किडनी समस्या की हिस्ट्री है, जैसे कि कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, कुछ नेफ्राइटिस होती हैं, उनको सब, इसके अलावा लंबे समय तक स्टोन डिजीज जिसको होती है। जी सर, किडनी कितनी तरह से खराब होती है, क्या एक बार किडनी खराब हो जाए तो फिर से ठीक हो सकती है? अंशुमन किडनी दो तरीके से खराब होती है, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर, है ना। तो एक्यूट रीनल फेलियर जनरली रिकवरेबल कंडीशन होती है, और इसके जो कारण होते हैं, जैसे कि कोई शरीर में इन्फेक्शन हो जाए, या प्रेगनेंसी के बाद, या कुछ स्नेक बाइट वगैरह के बाद शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है उसकी वजह से, और ये कम्प्लीटली रिकवरेबल कंडीशन है जिस अगर शुरुआती अवस्था में इसका पता चले और कारण पता चले तो उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरी होती है क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज भी कहते हैं। ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव बीमारी है, एक बार होने के बाद ये प्रोग्रेस करती है, इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस का बड़ा इसमें रोल है। तो शुरुआती अवस्था में, जैसा मैंने बताया कि इसमें शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए स्क्रीनिंग करना पड़ता है पेशेंट्स को, हाई रिस्क ग्रुप को, और हाई रिस्क ग्रुप होते हैं या तो आपको लंबे समय से डायबिटीज है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर है, या कोई पथरी की समस्या है, या लंबे समय तक आपने दर्द निवारक दवाइयां खाई हैं, या आपके घर में किसी को जेनेटिक डिजीज है किडनी संबंधी, उस केस में आप अपने शुरुआती अवस्था में आप अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं, जिसमें कि तीन इंपॉर्टेंट चेकअप जो बहुत जरूरी होते हैं, जो कि एक तो ब्लड प्रेशर है पहला, दूसरा ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा, और तीसरा यूरिन में प्रोटीन की मात्रा। ये सभी टेस्ट छोटी छोटी डिस्पेंसरीज पे उपलब्ध है, अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो ये अपने ये टेस्ट जो है जरूर कराएं। किडनी की क्रॉनिक रीनल फेलियर एक बार जब प्रोग्रेस होता है तो शुरुआती अवस्था में पता चलने पर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर देती हैं, जिससे कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में जाने में समय मिल जाता है। एक बार जब किडनी सीकेडी स्टेज 5 में पहुंच जाती है, जिसमें कि किडनी की फिल्टर करने की पावर 15% से कम होती है, उस केस में ऑप्शन डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण के होते हैं। किडनी अगर एक बार खराब होने लगे, इन्फेक्टेड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या खाएं क्या ना खाएं? नहीं, नॉर्मल किडनी फंक्शंस में अपन सभी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बिल्कुल रूटीन डाइट करना है। जब किडनी एक बार फेल होती है तो फिर अपने को यूरिया क्रिएटिन बढ़ते हैं, उस समय कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जिसमें नमक कम, पानी की मात्रा रिस्ट्रिक्ट करते हैं उस समय, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, उन चीजों को अवॉइड करते हैं। धन्यवाद।